अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, अल्लाह पाक के काम देखें, ठीक है ना। आज एक बंदे ने मुझे कमेंट भी किया था कि नेवी की भर्ती कब आ रही है और नेवी का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगा, जो अभी भर्ती हुई थी, प्रीवियस भर्ती थी, ठीक है। तो मेरिट का तो मुझे तक अब इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, लेकिन मैंने वैसे इतना चेक भी नहीं किया, लेकिन इसकी भर्ती आ चुकी है। मैंने कहा चलो एक शॉर्ट सी वीडियो मतलब जल्दी से बना लूँ ताकि उसका कमेंट का भी हक अदा हो जाए, ठीक है ना। तो बहरहाल पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत अख्तियार करें, ठीक है ना। सिविलियन की भर्ती अगर ये भर्ती में आप भर्ती हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़िंदगी की मज़े करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह की भर्ती है कि बस आप समझ लें कि जिस तरह मैं बस बैठा हूँ और आपने बिल्कुल इस तरह सिवर कपड़ों में आपने काम करना होता है, ठीक है। तो मतलब कोई बंदूक वगैरह आपने नहीं उठानी होती है और मतलब कोई अपने पानी वगैरह में नहीं जाना होता, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर इसमें आपकी जॉब लग जाती है तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ ही देंगे। अप्लाई आपने कहाँ से करना है, इसके लिए एज की क्या है और इसके लिए तालीम क्या है और इसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे। तकरीबन मैं अभी रात के 3 बज रहे हैं और आपके लिए ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ आप हमारा भी ख्याल रखा करें। बहरहाल हम बात कर लेते हैं, पहले पहले ये है कि आपकी तालीम मिनिमम होनी चाहिए मैट्रिक, ठीक है। आप और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम तालीम है आपके पास मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाएं ग्रेजुएशन तक आप जाएं, ठीक है। इसमें 45 पोस्टों पर अप्लाई आए हैं, ठीक है। 45 पोस्टों से ये मुराद कि सिर्फ 45 पोस्ट ही नहीं है बल्कि 45 पोस्टें, पोस्टों से मुराद के हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें यूडीसी का लर्क है, ठीक है। इसमें नैबकासिर है, इसमें खाक्रोब है, इसमें इलेक्ट्रिशियन है, इसमें बाकायदा बकाए यूडीसी का लर्क, अपर डिवीजन का लर्क, लोअर डिवीजन का लर्क। इसमें एक स्केल से लेकर तकरीबन 17 स्केल तक इसमें जॉब आ चुकी है और ये एक अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर आपकी लगती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें अप्लाई आप मिस ना करें, इसमें अप्लाई आप लाजमी करें। आप पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से हैं, डेली खान से, पिशावर से, मुल्तान से, लाहौर से, एनीवन, फिर बता रहा हूँ आप पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इन्होंने जो यहाँ पर जो पोस्ट दिया है ये काफ़ी बड़ा है, अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूँ तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो लेंथी होती है, फिर आप मतलब शिकवा करते हैं कि सुफियान भाई थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाया करें, ठीक है ना। तो इसलिए इसका लिंक और इसकी फ़ोटो वगैरह, अगर लिंक में भी आपको नहीं मिलता तो इसकी फ़ोटो वगैरह मैं वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ एक एक पोस्ट को, तो वहाँ से आपने इसमें देख लेना। अगर फिर भी आपको मतलब समझ ना आए तो आपने क्या करना है, वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने नेवी की वेबसाइट पर जाना है, www.navy.com.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपने जाना है, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट, ठीक है। तो आपने कल से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देनी है। असामी नंबर 10 से लेकर 15 से 44 तक असामिया की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और तालीमी काबिलियत, ठीक है। तो तालीमी काबिलियत से क्या मुराद है कि मैट्रिक से लेकर आप इस तक जा सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन तक। तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको नेवी के मतलब वेबसाइट पर मिल जाती है। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, वेरी गुड, इतनी अप्लाई इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है, ईजी होता है, ठीक है ना। सिर्फ आपने उसमें अपना डेटा पुट करना होता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते, किसी कंपोजिंग वाले के पास चले जाएँ, वहाँ से आपने इसमें अप्लाई कर देना है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, अप्लाई लाजमी करें, गोल्डन चांस है आपके पास, इसको मिस ना करें, ठीक है। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स में लाजमी बताएं, विद इन 24 आवर्स, जिस तरह मैं फ्री होता हूँ इंशाल्लाह फ़ौरन आप सबको रिस्पांस कर दूंगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।